नमस्कार, KNN न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। जवा तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनी कला के रोजगार सहायक का बोलबाला जनपद सीओ के समक्ष पंडितों ने घुस लेने का लगाया आरोप। भाजपा नेताओं ने पंडितों के साथ भ्रष्टाचार के खिलाफ उठाई आवाज। आजकल भ्रष्टाचार से लिप्त कर्मचारियों के आगे वरिष्ठ अधिकारियों की भी चुप्पी साधने में मजबूर हो जाना पड़ता है, भले ही वरिष्ठ अधिकारी बहुत ईमानदार क्यों ना हो। आज हम इस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं, उसके सरहंगाई को जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको बता दें कि रीवा जिले के तहसील जवा अंतर्गत ग्राम पंचायत कोनी कला में भ्रष्टाचार में लिप्त रोजगार सहायक उमेश तिवारी द्वारा गरीब के साथ प्रधानमंत्री आवास योजना में घोष लेने के बावजूद भी पूरे तन्मयता से परेशान करने की साजिश रची गई, जिसके कारण पंडितों द्वारा भाजपा नेता शिवशंकर तिवारी व भाजपा नेता रमाकांत यादव की अगुवाई में जनपद पंचायत जवा में आमरण अनशन किया गया। अनशन के दौरान पंडितों ने सीओ के समक्ष मीडिया से रोजगार सहायक द्वारा दिए गए घूस को बारी बारी से खुलासा किया, लेकिन अब भ्रष्टाचार की सारी बातें सीओ के संज्ञान में आई। तब जनपद सीओ ने आश्वासन देकर पंडितों को शीघ्र अतिशीघ्र न्याय दिलाने की बात कही, परंतु एक बात समझ में नहीं आ रही कि सीओ साहब के समक्ष पंडितों ने खुलेआम घूस लेने का आरोप लगाया, किंतु सीओ साहब अभी तक चुप क्यों हैं? क्या रोजगार सहायक अधिकारियों के बीच इतना दबदबा बना रखा है कि वरिष्ठ अधिकारी भी रोजगार सहायक के खिलाफ कार्रवाई करने से डर रहे हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं KNN चैनल। दोस्तों, इस समय हम यहाँ जवा जनपद पंचायत में मौजूद हैं और हमारे सामने कोनी पंचायत की बहुत सारी जनता है जो है अनशन ग्रुप में आई हुई है। फिलहाल मेरे साथ मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीओ साहब हैं। सर नमस्कार। सर, यहाँ की ग्राम पंचायत जनता जो आपके सामने आई हुई है, सर इनके बहुत सारे आरोप हैं। पहला आरोप तो सर प्रधानमंत्री आवास योजना में पूरी अनियमितता हुआ, आप देख ही रहे हैं, लोग आपसे बता ही रहे हैं। मुख्य हुई बात यह है सर कि रोजगार सहायक द्वारा किसी से 6,000 रुपये लिया गया, किसी से 3,000 रुपये, वो मैं प्रूफ आपको यहाँ दिला सकता हूँ। सर, इतनी अत्याचार की जा रही, इसमें आप क्या कहेंगे अपने रोजगार सहायक के लिए? देखिए, ग्राम रोजगार सहायक ने किससे कितना पैसा लिया सर, मेरे संज्ञान में नहीं है। जी, है ना जी, जी। और यदि कोई बकायदा प्रूफ सहित माने देते हैं उनका आईडियो वीडियो वायरल या माने कोई किसी सबूत गवाही सर, तो निश्चित रूप से अपन उसमें भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कार्रवाई प्रकरण दर्ज कराएंगे। तो सर, क्या एक गरीब पैसा देते समय रोजगार सहायक को कोई प्रूफ दे सकता है? क्या उसकी इतने औकात है कोई वीडियो बनाए फोटो खींचे? अगर ऐसा करता है तो क्या रोजगार सहायक उसको आवास देगा? सबसे पहले बात तो ये है कि किसी भी जनता को जी, अब ये प्रधानमंत्री आवास योजना का जो स्कीम है जी जी जी, ये लगभग 5वां साल रन है, रन सर, हो रहा है, जी सर, बिल्कुल। तो सबसे पहले बात तो ये है कि आप, हम और मैं कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि हितग्राहियों को स्वतः हो होना चाहिए कि तो निःशुल्क योजना है भारत सरकार का जी, और जी, इसमें किसी प्रकार के भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, ना करना चाहिए जी, जी, जी। यदि फिर भी कोई जनता बोलता है कि मैंने इसको पैसा दिया है जी, तो आज ही मैं कोनी पंचायत गया था इनके पंचायतों में जी, और मैं लगभग 6 घंटे रहा, हर मोहल्ले में मैंने घूमा है जी, जी। मुझे एक भी हितग्राही नहीं मिला कि मैंने रोजगार सहायक को पैसा दिया है और उन्होंने पैसा लेके काम किया है जी। तो मेरा आग्रह है आम जनता जनार्दन से और आपसे, आपके लोकप्रिय चैनल से मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि यदा ऐसा कोई भ्रष्टाचार का प्रकरण उनके संज्ञान में है जी, तो मेरे नॉलेज में लाएं, या मुझसे पहले तो पुलिस का दरवाजा खुला हुआ है। तो सर, जैसे मान लीजिए कि जनता आपके सामने अभी सच्चाई उगल रही है, जनता के पास नहीं कोई प्रूफ है, न फोटो है, न कुछ भी है, न कोई ऑडियो वीडियो है, फिर भी सर अगर जनता आपके सामने कह रही है और जनता कितनी औकात नहीं कि सक्षम अधिकारी इतना आरोप लगा दी, तब आप अगर जनता कहते हो रोजगार सहायक के लिए क्या करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? इसके लिए तो सीधा सीधा मेरा ये कहना है, भ्रष्टाचार किस महीना से पैसा लिया गया था, पुलिस थाने के माध्यम से ही अपन जांच के लिए करेंगे जी जी, और उसमें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, ना तो आपके सामने पैसा दिया है, ना हमारे माने और किसी जनप्रतिनिधियों के सामने दिया है। जब जनप्रतिनिधियों से पूछते हैं तब बताते हैं कि माने हमने कहां भी पैसा दिया है। मेरा आग्रह की जो दोस्तों, अभी सीओ साहब की आपने बातें सुनी, सीओ साहब का ये कहना है कि रोजगार सहायक जिन जिन लोगों से पैसा लिया है वो प्रूफ दें। बात सच है कि आपके पास ना ही ऑडियो वीडियो कुछ भी नहीं है, पर आप सीओ साहब सामने बताएंगे। अब देखते हैं सीओ साहब इस पर क्या, इसको संज्ञान क्या कार्रवाई करते हैं। अभी बताइए, थोड़ा साहब सामने कैमरे में आइए, लोग आपको देखेंगे, इधर घूम जाइए, ये बताइए आपसे कितना पैसा रोजगार सहायक लिए हैं?
मुंह खोलिए बताइए कितना लिए पैसा? कितना लिए है? काहे के लिए लिए है? आवास के लिए। क्या कहे है? बोले कि आवास देंगे तो 2-3 साल हो गए, ऊपर तीरुस बोले कि आ रहा अभी तक नहीं आया। आप क्या बोलते हैं? आपसे आप क्या बोलते हैं? हाँ, आप जाती हैं उनके पास? ठीक है, देखिए अभी आपने उनकी बात सुनी और मैं अब भाजपा के नेता से बात करना चाहूँ। रमाकांत जी आइए, रमाकांत जी ये बताइए आपके पिता को जब रोजगार सहायक ने आवास दिया कितना पैसा लिया? 5,000 एक बार लिए, 6,000 एक बार है ना, 6,000 लिए एक बार, 6,000 एक बार, यानी पहली किस्त में, पहली किस्त में 5,000, दूसरी किस्त में 1,000। आपके पिताजी से? हमारे पिताजी। अभी आप लोग सुन रहे हैं इनकी बात ना। अब और अभी मैं सीओ साहब का, दोस्तों मैं सीओ साहब के सामने रोजगार सहायक की सारी करतूतों को प्रूफ देना चाह रहा हूँ। आप लोग ध्यान सुनिए, अभी बहुत सारे नए चेहरे ऐसे आएंगे जो रोजगार सहायक द्वारा पीड़ित प्रताड़ित किए गए हैं। बताइए क्या नाम है आपका? रोजगार सहायक क्या किए हैं आपके साथ में? पैसा लिए हैं 6,000 रुपए। काहे के लिए? उधर देखिए मकान के लिए। क्या बोले हैं? यही भी तुम यहाँ आए? बोले कि आ जाएगा 2 हफ्ते बाद, तुम्हारा जल्दी आ जाएगा, हमको 6,000 दे दो, हम दे दिए। तो आपका आ गया मकान? नहीं आया। और वो 6,000 रुपए नहीं लौटाए? नहीं लौटाए। ठीक, बोला कुछ भी करेगा तो कर लो, जो करना हो तुम लोग को नहीं देंगे। ठीक, जो नहीं देंगे। अब अच्छा ये बता रहे हैं छेदीलाल जी कि रोजगार सहायक का कहना है कि हम तुमसे 6,000 रुपए भले ले लिए, नहीं देंगे तुमको, जो कुछ करना हो कर लो। माननीय सीओ साहब सुन रहे हैं। राजकुमार कहीं हो? ठीक, आइए राजकुमार जी, आइए आइए। हाँ ये बताइए, आपसे इधर देखिए, रोजगार सहायक आपसे कितना पैसा लिए? कहे के लिए लिए है? आवास के लिए। क्या बोले हैं? कहे के आवास तो रहा है, खत्म आ जाएगी, नहीं आएंगे तो हमारा है ना। आप इनको पहचान रहे सर? कौन है ये? ये सीओ साहब है, मुख्य कार्यपाल अधिकारी, सब उन्हीं के अंडर में आते हैं। ये आपकी बात सुन रहे हैं। अब देखिए सर हमारे क्या कार्रवाई करेंगे, वैसे यहाँ की जनता आपसे उम्मीद करती है। अभी तक आपने जो जो कार्रवाई सर की उससे जनता काफी प्रसन्न और हर्षित है। ठीक, अब थोड़ी सी मैं एक मिनट के लिए माननीय तिवारी जी से पूछूंगा। तिवारी जी, अभी आपने अपने क्षेत्र की जनता की बातें सुनी। रिक्ता में पंचायत के रोजगार सहायक द्वारा निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पूर्व में भी किया गया था और वर्तमान में जारी है। उसी विषय पर ये इनका आक्रोश और इनकी पीड़ा इनको यहाँ लेकर आई है, पर ये बात को लेकर मुझे भी तकलीफ है। हाँ। क्योंकि मैं शासन सत्ता से भी जुड़ा हूँ, ऐसा विषय नहीं है, पर लगातार क्षेत्रीय रोजगार सहायक है, गाँव का है, कहीं ना कहीं दबंगई के बस चलते ये लोग दबे हुए हैं। और इस आवाज़ को उठाने के लिए मैं माननीय सीओ साहब के समक्ष हम लोग उपस्थित हुए हैं। तहसीलदार साहब को ज्ञापन भी देना एक मजबूरी हो गई थी क्योंकि 6 माह पहले उनके ऊपर कार्यवाही की गई। ठीक है, आपने अभी बताए, अब ये जनता आपके साथ आई है, ये जनता यहाँ आमर अनशन ग्रुप बैठी है, तो सीओ साहब के बाद से आप संतुष्ट हैं कि अभी आमर अनशन का इसमें क्या कहना चाहेंगे? मुद्दे की बात करिए। क्योंकि सीओ साहब के बाद से मैं संतुष्टता भी मानूंगा, असंतुष्टता की भी बात आएगी, क्योंकि हमारे नेता भी माननीय विधायक जी द्वारा अभी ये बात अवगत कराई गई हम लोगों को कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में व्यस्त हैं, इसके बाद अगर आप इनकी समस्याओं पर मुझे स्वयं आकर खड़े होना पड़ा तो मैं स्वयं आऊंगा, और अभी ये लोग अनशन नहीं करेंगे, माननीय विधायक जी का ऐसा आश्वासन है, फोन के माध्यम से जो बात हुई है। तो अभी भले इनका कुछ और भाव विचार था, क्योंकि हम लोग तो जनप्रतिनिधि, हमारे नेता हैं, तो ये यही जनता उन लोगों उनको चुनी है, तो उनको उनकी भी बात मानना हम सबका कर्तव्य दायित्व है। और पूरी पूर्ण आशा के साथ हम ये चाहेंगे कि माननीय विधायक जी के नेतृत्व में 13 तारीख के बाद ग्राम पंचायत कोनीकला के चांद कुरैली और जो भी गरीब आदिवासी परिवार के लोग हैं उनको आवास दिलाएंगे, मुझे पूर्ण रूप से आशा है। दोस्तों अभी आपने नेताजी की बात सुनी, यहाँ की जनता की बात सुनी, मैंने आपको सबसे मिला दिया। अंत में मैं ये सीओ साहब से भी थोड़ी सी बात करूंगा, हालांकि यहाँ की जनता की, क्योंकि मैं मुझे 3 साल चैनल में आए हो गया, तो सीओ साहब के जितने कारनामे वो वास्तव में प्रशंसनीय है। जहां जहां सीओ साहब ने भ्रष्टाचार देखा वहां पर तुरंत कार्रवाई की। अब कार्रवाई करके सीओ साहब यहाँ भेज दे, जिला पंचायत से कार्रवाई होना है, ये खुलासा कुछ खुलासे ग्राम पंचायत तक और है, सीओ साहब यहाँ से कार्रवाई करके भेजे हैं, वहां से नहीं हुआ, मैं दूध का दूध पानी का पानी करके दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने अमूल समय दिया, इसके लिए सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।